हेलो एवरीवन, नहीं नहीं आज मैं बोलूँगी जय माता दी, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का व्रत भी चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज फास्ट की रेसिपी लेके आऊँ, जो कि हम सब फास्ट में भी उसे खा सकते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी साबूदाना कटलेट या साबूदाना वड़े। तो चलिए जल्दी से फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिए हैं। इसको मैंने रात में सोक होने के लिए रख दिया था और अभी वो अच्छे से फूल चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसे मैश हो गया है, इसका मतलब साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने मूंगफली ली थी, उसको मैंने रोस्ट करके और उसका मैंने पाउडर बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये सेंधा नमक है जो व्रत में हम लेते हैं। ये 2 उबले आलू हैं। यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया लिया है और यहाँ मैंने आधा नींबू लिया है। चलिए अब मिक्सर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना 1 बाउल में ले लिया है। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। आधा बॉयल्ड आलू उसको मैंने मैश कर लिया अच्छे से और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें 3 बड़ी चम्मच मूंगफली का पाउडर वो ऐड कर दूंगी। मैंने मूंगफली को ग्राइंड कर लिया था और उसका एक पाउडर बना लिया। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है, आप साबुत जीरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप काली मिर्च नहीं अच्छी लगती है तो, क्योंकि इसमें हरी मिर्च तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। फिर मैंने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है, वो स्वाद अनुसार आप ऐड करिए इसमें। आप अगर नमक नहीं खाते हैं तो आप बिना नमक के भी बना सकते हैं इसको। फिर मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस वो ले लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से मैश होना चाहिए। तो यहाँ पर मैश हो चुका है और हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब वड़े या कटलेट जो भी आप बोलें वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाथ पे घी लगा लिया है, क्योंकि ये मिक्सर बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है तो इसलिए मैंने घी लगाया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मिक्सर लिया है और उसको मैंने थोड़ा गोल शेप दिया है। फिर मैंने अपनी दोनों हथेली से उसको हल्के से मैंने प्रेस कर दिया है। आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको टिक्की के ही शेप में बनाना है, आप उसे गोल गोल भी बना सकते हैं। ऐसे ही करके मैं सारे वड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे वड़े बना लिए हैं। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं घी हो चुका है, तो इसमें मैं एक एक करके वड़े ऐड करूँगी। वड़े को हमें अच्छे से सेकना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेकेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे सेकेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए। उसके बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सेकेंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं वड़े में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सेकूंगी ताकि ये और अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी लग रहे हैं और गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं और हमारे वड़े भी तैयार हो गए हैं। आप ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।